Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्टूडेंट्स माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी दिस इज माय एटींथ लेक्चर एंड ऑफ क्राइम का ये मेरा एटीनथ लेक्चर है टॉपिक है समन मामलों में बिछाण की प्रक्रिया इसके ठीक पहले मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस लेक्चर में वारंट ट्रायल में बिछाण की प्रक्रिया के विषय में बात किया था इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं समन जो मामले हैं समन केसेस हैं उसमें ट्रायल के क्या प्रोसीजर हैं उसको उस पर डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत सीआरपीसी के जो रेलिवेंट प्रोविज़न हैं समन मामलों में पहले समन मामले को डिफिनीशन क्या है उसके बाद समन मामलों में जो धारा टू फिफ्टी वन से लेकर के टू फिफ्टी नाइन तक के जो प्रावधान हैं वे समन मामलों के ट्रायल के विषय में बात करते हैं वो देखेंगे फिर समन केस को उसकी अपराध के गंभीरता के आधार पर ट्रायल के प्रोसीजर में किन किन बातों का ध्यान रखना ट्रायल कोर्ट के लिए आवश्यक है उसको इस क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे तो स्लाइड पर आप देखें स्क्रीन पर आप देखें कि मैंने समन मामलों में विचार संबंधी प्रक्रिया और इसको समन मामला क्या है ये सेक्शन टू एक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आ, समन मामलों की जो परिभाषा है वह धारा टू ब्लू के अंतर्गत सेक्शन इसकी परिभाषा सीआरपीसी की धारा टू डब्लू के अंतर्गत दी गई है धारा टू डब्लू के अनुसार समन मामलों से तात्पर्य उन, उन अपराधों से है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास और दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं होते हैं अर्थात वे अपराध जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत दो वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उन अपराधों को समन मामलों की श्रेणी में रखा गया है धारा टू सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा टू डब्लू के अनुसार समन मामले वे हैं जो वे अपराध हैं जो दो वर्ष तक के कारावास से संबंधित मामले होते हैं वे समन मामले कहलाते हैं इस सीआरपीसी की धारा टू डब्लू के अनुसार तो समन मामलों में स्वाभाविक है कि ट्रायल का जो प्रोसीजर होगा मैंने इसके पहले भी बताया था कि ट्रायल चार प्रकार के हैं मुख्यतः सेशन ट्रायल है वारंट ट्रायल समन ट्रायल और समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण तो सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल को मैंने बताई दिया ये तीसरा जो प्रकार का ट्रायल है समन ट्रायल समन मामलों में न्यायालय के द्वारा विचारण की क्या प्रक्रिया होगी इसकर इसको डिस्कस करेंगे इस व्याख्यान के अंतर्गत तो जैसा कि मैंने बताया वे सभी अपराध जो दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं समन मामले कहलाते हैं तो स्वाभाविक है जो अपराध की गंभीरता के आधार पर जो न्यायालय बिछाण की प्रक्रिया अपनाता है वह भी आ, उतनी तुलनात्मक रूप से उतनी जटिल और कठिन नहीं होती जितना कि वारंट मामलों में न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान प्रक्रिया का अनुपालन करना अपेक्षित होता है तो इसलिए समन मामलों में गंभीरता अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यायालय कुछ सरल प्रक्रिया अपनाता है उस प्रक्रिया को देखेंगे कि क्या है पहले आप देखें कि सीआरपीसी की धारा 251 के अंतर्गत किस किस न्यायालय को दिया गया है समन मामलों में ट्रायल करने की पावर तो धारा दो सौ के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग समन मामलों में विचारण की अधिकारिता रखता है अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब है तो स्वाभाविक है कि यह मैक्सिमम तीन वर्ष का कारावास दे सकता है तो वे सभी अपराध जो दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के न्यायालय के द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे अब इसके अतिरिक्त किसी भी न्यायालय की यहाँ पे बात ही समाप्त हो गई जब हमने ये बोल दिया कि समन मामले वे मामले हैं जो दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं तो स्वाभाविक है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के अतिरिक्त कोई भी इससे बड़ी कोर्ट के समक्ष ये मामले नहीं जाएंगे तो दूसरा धारा 251 के अंतर्गत जो सीआरपीसी में दिया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के द्वारा मैंने लिखा है जेएम फर्स्ट संक्षेप में इनके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा समन मामले का ट्रायल होगा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अपराध के अपराध का सार समझाना होता है अर्थात जब अभियुक्त को समन मामलों में न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है लाए जाने शब्दावली यूज की गई है टू फिफ्टी वन में अर्थात जब पुलिस उसको गिरफ्तार कर अरेस्ट कर न्यायालय के समक्ष लाती है या स्वयं अभियुक्त समन मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के समक्ष उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा अपराध के सब्सटेंस को सब्सटेंस ऑफ आफ, ऑफेंस उसको पढ़कर सुनाया जाता है कि उसके विरुद्ध किसी तारीख और समय पर अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है क्या वह अपना अपराध स्वीकार करता है या बचाव का दावा करता है जहाँ पर अभियुक्त के द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया जाए तो स्वाभाविक है कुछ स्थिति में उस अभियुक्त को अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय दोषित कर देता है ये वारंट ट्रायल में भी हमने देखा सेशन ट्रायल में भी देखा तो अपराध के आर, सार की पूरे अपराध के जो कंटेंट हैं उसकी संक्षेप में सूचना अभियुक्त को पढ़कर सुनाने का उद्देश्य यही है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए दंडित नहीं किया जा सकता है ये उसी सिद्धांतों के अनुपालन में समन मामलों में भी न्यायालय अभियुक्त को अपराध के विषय में संक्षेप में उसको सूचना जब उसके समक्ष आता है तो पढ़कर सुनाया जाता है कि जिससे अभियुक्त अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के विषय में भली भात अवगत हो सके और अपना यदि बचाव करना चाहता है तो वह अपना बचाव न्यायालय के समक्ष अपने गवाहों के माध्यम से साक्षियों के माध्यम से कर सकता है तत्पश्चात अभियुक्त की परीक्षा की जाती है एग्जामिनेशन किया जाता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज जो प्रक्रिया है सीआरपीसी की धारा तीन सौ तेरह में दी गई है थ्री थर्टीन में दी गई है अभियुक्त की परीक्षा से तात्पर्य यहाँ पे कि अभियुक्त के कथन को शपथ पर लिखना अभियुक्त के कथन को न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड करना और अभियुक्त को यह बताना कि जो कुछ भी न्यायालय के समक्ष वह कथन करेगा वह कथन अभियुक्त के विरुद्ध भी साक्ष्य के रूप में लाया जा सकेगा इस बात को समझाते हुए ट्रायल कोर्ट के द्वारा अभियुक्त को यह विश्वास किया जा दिलाया जाता है कि जो कुछ भी स्टेटमेंट न्यायालय के समक्ष देगा वह उसके विरुद्ध भी साबित किया जा सकेगा जब इसके पश्चात भी अभियुक्त यदि अपराध की स्वीकारोक्ति करता है या अपने कथन को दर्ज कराता है तो वह उसके विरुद्ध एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में न्यायालय उपयोग में ला सकता है अब इसके पश्चात जब समन मामले को यहीं पर यह ट्रायल करने की बात आई तो चूँकि समन मामले इतने गंभीर नहीं होते जितने वारंट मामले होते हैं तो इसलिए समन मामलों में आरोप तय नहीं किया जाता है चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज ट्रायल कोर्ट जो है वो ट्रायल अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष लेने के लिए अग्रसर हो जाता है और विषाण प्रारंभ कर देता है तो आरोप तय करने वाली जो प्रक्रिया है सेशन ट्रायल के समक्ष और वारंट ट्रायल के मामलों में वह इस केस में नहीं होता चूँकि जो नेचर ऑफ ऑफेंस अपराध है वह अधिकतम दो वर्ष के कारावास से दंडनीय है तो ऐसी स्थिति में उसमें अभियुक्त के विरुद्ध बिना आरोप तय किए हुए संक्षेप में अपराध की सूचना देकर के ही कार्रवाई आगे के लिए बढ़ा दी जाती है इससे किन उद्देश्यों के सुनिश्चित इन इनसे किन उद्देश्यों को सुनिश्चित करना चाहता है न्यायालय यह जो स्पीडी ट्रायल है भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस के, के द्वारा मैंडेटेड जो स्पीडी ट्रायल है स्पीडी जस्टिस है शीघ्र न्याय मिलना जस्टिस एक कहा भी जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यदि जस्टिस इफ जस्टिस इज डिलेड दैट इज डिनाइल ऑफ जस्टिस यदि न्याय विलंब से मिलता है तो न्याय न मिलने के समान माना जाता है इसलिए यह शीघ्र न्याय प्राप्त हो मामले में जो अपराध पीड़ित है उसको भी शीघ्र न्याय प्राप्त हो अभियुक्त के विषय में निर्दोष या दोषी है उसके विषय में शीघ्रतर निर्णय लिया जा सके यह सुनिश्चित करने के लिए समन मामलों में भी अभियुक्त के आरोप तय किए बिना ही अभियुक्त के मामले को ट्रायल किया जाता है तो एक तो हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या है समन मामलों में विदाउट चा, फ्रेमिंग चार्ज आ, मामले को आगे बढ़ाना वह उसका है कि स्पीडी जस्टिस और दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि पूरे भारत में आपराधिक न्यायालयों में जो लंबित मामलों की संख्या है वह करोड़ों में है यह आपराधिक न्यायालय के समक्ष जो पेंडेंसी है वह आप देखेंगे तो 6.5 करोड़ है लगभग लग साढ़े छः करोड़ अधीनस्थ न्यायालयों के समझ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या इतनी ज़्यादा है करोड़ में है आप इसको अगर वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं तो यदि समन मामलों में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए चार्ज फ्रेमिंग हो और चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद विटनेस गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की जाए तो इट विल टेक टाइम और बहुत अधिक समय लेगा न्यायालय का और पेंडेंसी न केवल आज जो हम साढ़े छः देख रहे हैं हो सकता है इसका जस्ट डबल हो जाए तो इसलिए आपराधिक मामलों में पेंडेंसी को कम किया जाए मिनिमाइज किया जाए आपराधिक मामल आपराधिक मामलों में लंबित वादों की संख्या को कम किया जाए शीघ्र न्याय उपलब्ध कराई जाए इन एक्सपेंसिव जस्टिस हो सस्ती न्याय उपलब्ध कराई जाए जैसा कि आप देखते हैं कि जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं या कोई भी लिटिगेशन है वह टेक्स ईयर टू ईयर यह वर्ष कई वर्ष लग जाते हैं उस मामले को डिसाइड करने में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त का बरी होना या किसी भी गवाह की गवाही न होना मैटर अभी ट्रायल पर होना विचाराधीन होना तो ऐसी स्थितियों में समन मामलों में चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया पर बल नहीं दिया जाता है कि बिना अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने में भी समय लगेगा और चूंकि दो वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध है साक्ष्य पर्याप्त हैं तो अभियुक्त को उस अपराध के विषय में सूचना दिए जाने के पश्चात ट्रायल प्रारंभ कर दिया जाए कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए तो इससे हम जो दो देशों की प्राप्ति करना चाहते हैं वह एस है जस्टिस है दूसरा आपराधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों की संख्या को कम करना है अब इसके पश्चात यदि समन मामलों में आरोप कैसे और पेंडेंसी कम किया जा सकता है जैसा आप सभी जानते होंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा थ्री ट्वेंटी तीन सौ बीस के अंतर्गत अपराधों के समन के विषय में बात की गई है कंपाउंड कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात की गई कि ऑफेंस जो है जो जितने अपराध हैं वह विद द हेल्प ऑफ कोर्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो uh, अपराध को विड्रॉ किया जा सकता है अर्थात अपराधों का समन से तात्पर्य अपराधों को वापस लिया जाना पीड़ित के द्वारा अपराध जो पीड़ित है यदि वह संतुष्ट है या संतुष्ट uh, अपने uh, द्वारा लगाए गए आरोपों को वापस लेना चाहता है या चाहती है तो अभियुक्त के सहमति से अभियुक्त के अभियुक्त के आपसी अभियुक्त और अपराध पीड़ित के आपसी सहमति से अपराध का समन किया जा सकता है समाप्त किया जा सकता है तो इसको दो कैटेगरी में बांधा गया है कुछ ऐसे अपराध हैं जो बड़े हैं जघन्य अपराध हैं उसमें अभियुक्त और अपराध पीड़ित दोनों आपसी समझौते से अपराध को वापस नहीं ले सकते जैसे मर्डर का केस है तो मर्डर की केस में जो हत्यारा है और जो अपराध पीड़ित है दोनों आपसी सहमति से उस मामले को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसको अलाउ कर दिया गया होता कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया गया होता तो यह निश्चित रूप से बड़े अपराधियों को एक प्रकार से लाइसेंस देने का काम होता वे अपराध भी करते और अपराध पीड़ित पर दबाव बना करके उससे समझौता करके वह जेल से बाहर आ जाते दोषमुक्त हो जाते इसलिए बड़े अपराधों में यह अप, समन की प्रक्रिया लागू नहीं है प्रायः वे अपराध जो सेवन या सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं उन अपराधों में अपराध पीड़ित और अभियुक्त आपसी सहमत से अपराध को समाप्त कर सकते हैं वापस कर सकते हैं तो ये बात हो गई कि जो सामान्यतः सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उनमें अभियुक्त चाह के भी अपराध पीड़ित चाह के भी अपराध को न्यायालय से कोर्ट से वापस नहीं ले सकता है तो एक तो ये बात हो गई कि समन तो सम जो समन केस हैं चूंकि दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं यदि इसमें अपराध का कंपाउंड यदि समन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से धारा 320 सौ बीस के जो प्रावधान हैं यदि इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो जो हमारी न्यायालय के समझ पेंडेंसी आप सूट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि दो वर्ष तक के जो कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं वह बहुत पेटी अफेंस होते हैं तुच्छ प्रकृति के अपराध होते हैं और उसमें अगर हम इसको 320 की प्रक्रिया को लागू कर दें तो जो हमारी पेंडेंसी ऑफ सूट्स है उसको हम बहुत मात्रा में कम करने में सफल होंगे तो आप सभी को जैसे छात्र हैं अगर वह लिखित परीक्षा में रिटिन टेस्ट में अगर लिखना चाहें तो मुख्य परीक्षा में वह लिख सकते हैं इस चीज़ को कि समन मामलों में जो बेचाण की प्रक्रिया है वह बेचाण की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर यदि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त और अपराध पीड़ित से यह पूछ लिया जाए कि क्या अपराध पीड़ित अपराध को वापस लेना चाहता है या चाहती है तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से उस अपराध को समन कर लेते हैं समाप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह न केवल सस्ता न्याय होगा इन एक्सपेंसिव जस्टिस होगी बल्कि यह स्पीडी जस्टिस भी त्वरित न्याय भी सुनिश्चित होगा और त्वरित न्याय जो संविधान के आर्टिकल की स, जीवन के अधिकार के एक अभिन्न भाग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है हम न केवल इसमें स्पीडी इस जस्टिस सुनिश्चित कर पाएंगे सस्ता न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि हम भारत पूरे देश में आपराधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों की संख्या को कम करने कम कर पाने में भी सफल हो पाएंगे तो इसलिए सेक्शन 320 के जो एप्लीकेशन को हम अगर इसमें अप्लाई कर दें उसको उसके उसको प्रमोट करें समन मामलों में तो निश्चित रूप से हम पेंडेंसी को जो है कम कर पाएंगे तो ये सारी बातें समन मामलों में धारा 320 को कैसे लिखेंगे और चूँकि इसमें नीचे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड पर आप देखें कि सेक्शन 465 से प्रभावित नहीं है अर्थात समन मामलों में यदि कोई जजमेंट दिया जाए निर्णय दिया जाए अभियुक्त को अपराध का सार न भी या आरोप तय न किया जाए तो मात्र इस आधार पर समन मामलों में दिया गया निर्णय दंडादेश आदेश को हम शून्य घोषित नहीं कर सकते जब तक कि यह अभियुक्त साबित न कर दे न्यायालय में कि उस निर्णय से अभियुक्त के प्रति न्याय नहीं हो पाया है तो जो सो फोर सिक्सटी फाइव की प्रोसीजर इसमें सी आर पी सी में दिया गया है उसको भी हिट नहीं करेगा उससे प्रभावित नहीं होगा दूसरी बात ये तो समन मामलों में जो समन केसेस हैं कैसे ट्रायल होगा उसका कोर्ट के द्वारा यह तो मैंने सेक्शन टू फिफ्टी वन के अंतर्गत बता ही दिया लेकिन अगर उसी यह प्रत्येक स्टेट समन मामलों में विचारण प्रारंभ होने के पहले यह सुनिश्चित करेगा कि क्या इस मामले को हम धारा 320 के अंतर्गत यदि कंपाउंड कर दें हम यदि इसको और इसकी इस यह क्यों ऐसा होना चाहिए तो उसका मैंने लॉजिक भी तर्क भी बताया इसके जस्टिफिकेशन भी दिया कि इससे हम पेंडेंसी आप सूट को जो आपराधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों की संख्या है उसको हम कम कर पाएंगे और जस्टिस स्पीडी होगी ये दो प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जो समन मामलों में यदि लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम आपराधिक मामलों को समय सीमा के भीतर निस्तारित भी कर पाएंगे और आपराधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों की संख्या को भी कम कर पाएंगे दूसरा पेंडेंसी ऑफ सूट को रोकने का एक तरीका आपने देखा होगा कि धारा चार सौ अड़सठ सी आर पी सी में भी दिया गया है सेक्शन फोर सिक्सटी एट सी आर पी सी यह प्रावधान करती है कि वे अपराध जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर संज्ञान ले लिए जाने चाहिए थे अगर उसके पश्चात न्यायालय के संज्ञान में वह लाया जाता है तो न्यायालय समय बाधित होने की वजह से उसका संज्ञान लेने से मना कर देता है हम जिसको लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं यह सेक्शन फोर सिक्सटी में दिया गया है आप सभी जानते होंगे कि सिविल मामलों में भी यह प्रावधान किया गया है लिमिटेशन एक्ट है कि अगर सिविल वाद है जैसे संविदा का विखंडन है या आप डैमेज लेना कंपनसेशन लेना चाहते हैं तो सामान्यतः ऐसे मामले न्यायालय के सिविल न्यायालय के भीतर अब उस वाद घटित होने के जो काज ऑफ एक्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस ब्रीच ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से लेकर के तीन वर्ष के भीतर सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाना चाहिए तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात यदि कोई प्लेंटिफ आता है सिविल कोर्ट में तो न्यायालय बोलता है कि टाइम बाढ़ है समय बीत चुका है आपकी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे तो यह इसलिए होता है कि जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है उसकी न्यायालय कोर्ट भी कोई सहायता नहीं कर सकता है तो समय सीमा के भीतर यदि मामले न्यायालय के संज्ञान में लाए जाएंगे तो न्यायालय उसको उस समय के भीतर निश्चित रूप से न निर्धारित करेगा उसको डिसाइड करेगा और इस डिसाइड करने से जो हमारी पेंडेंसी ऑफ सूट्स हैं उसको भी हम कम कर पाएंगे तो एक तो विधायिका के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रत्येक आपराधिक मामलों का संज्ञान न्यायालय के द्वारा लिया जाना चाहिए यह प्रावधान सेक्शन फोर सीआरपीसी में दिया गया है मैंने जैसा कि आप बताया कि वे अपराध जो मात्र जुर्माने से दंडनी है उन मामलों में न्यायालय के द्वारा संज्ञान कब तक लिया जा सकता है छः माह के भीतर कभी भी न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है वे अपराध जो एक के कारावास से दंडनीय हैं वह वे अपराध न्यायालय के संज्ञान में कभी भी अपराध घटित होने के एक वर्ष के भीतर कभी भी लाया जा सकता है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात यदि न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है तो न्यायालय टाइम बाढ़ होने के आधार पर संज्ञान लेने से मना कर सकती है कि धारा चार सौ अड़सठ सी आर पी सी में उल्लिखित किया गया है कि एक वर्ष से अगर ऐसे अपराध जो मात्र एक वर्ष के कारावास से दंडनीय हैं वे अपराध न्यायालय के संज्ञान में एक वर्ष के भीतर कभी भी लाए जा सकते हैं उसके पश्चात न्यायालय कोर्ट जो आपराधिक न्यायालय है वह उस मामले को संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है रिजेक्ट कर देगा दूसरा अब उसी धारा फोर सिक्सटी एट में लिखा हुआ है कि वे अपराध जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं उन अपराधों में आपराधिक न्यायालय तीन वर्ष के भीतर कभी भी संज्ञान ले सकेगा उसके पश्चात नहीं तो अर्थात ये वे सभी अपराध जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं न्यायालय को ये पावर दे दिया गया कि तीन वर्ष के भीतर अगर कभी भी न्यायालय के संज्ञान में बात लाई जाए तो न्यायालय उन अपराधों का संज्ञान लेगा लेकिन तीन वर्ष के पश्चात न्यायालय जो आपराधिक कोर्ट है उसको संज्ञान कॉग्निशन्स नहीं लेंगे तो अब जो समन मामले हैं वे चूंकि दो वर्ष के कारावास से दंडनीय हैं तो ऐसी स्थितियों में अगर समन मामले को कोर्ट के संज्ञान में दो वर्ष के भीतर नहीं लाया गया है तो वहीं पर जो कोर्ट ऑफ कंगजेंस से शुरुआत में ही ट्रायल की स्थिति नहीं आएगी वह संज्ञान के स्तर पर ही न्यायालय इस आधार पर उस मामले में संज्ञान लेने से मना कर दे कर सकता है कि इस मामले में दो वर्ष के भीतर कभी भी न्यायालय के संज्ञान में ये मामला लाया जाना चाहिए था उदाहरण के तौर पर जैसे चोरी का मामला है भारतीय संहिता की धारा थ्री के अंतर्गत चोरी के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट तीन वर्ष का है तो धारा चार सौ अड़सठ सी आर पी सी को यदि हम देखें तो सेक्शन फोर सिक्सटी एट सी आर पी सी के अंतर्गत चोरी जैसे मामले को तीन वर्ष के भीतर कभी भी न्यायालय की नोटिस में लाया जा सकता है तीन वर्ष के बाद अगर हम न्यायालय की नोटिस में लाते हैं चोरी के मामले को तो न्यायालय उस आ, मामले को इस आधार पर खारिज कर देगा कि यह समय सीमा व्यतीत हो चुका है और तीन वर्ष के पश्चात हम मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है तो यह प्रावधान इसलिए भी किए गए जो मनसा थी लेजिस्लेटिव मनसा थी उस ये टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब करने की वह मंशा केवल और केवल ये थी कि अगर समय सीमा के भीतर कोई व्यक्ति वाद नहीं लाता है तो हम न्यायालय के जो महत्वपूर्ण समय को बर्बाद नहीं होने देंगे और समय सीमा के भीतर अगर कोई न्यायालय की नोटिस में अपराध को नहीं लाता तो कोर्ट उसको इस आधार पर खारिज कर दे कि यह टाइम बाढ़ हो चुका है तो निश्चित रूप से यह पेंडेंसी को रोकने के लिए ही ये प्रावधान किए गए हैं अगर उसमें ये प्रावधान न किया गया होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपराधिक मामलों में भी कोर्ट के समझ आ जाता लेकिन चूंकि अपराध की गंभीरता के आधार पर यह केवल तीन वर्ष तक का ही रखा गया है मर्डर के मामले हैं तो हत्या के मामलों में आप जैसा कि जानते होंगे यह समय सीमा का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होता टाइम लिमिटेशन लागू नहीं बड़े अपराधों में टाइम लिमिटेशन के प्रावधान लागू नहीं होते जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो जैसे दाऊद इब्राहिम है बॉम्बे बम ब्लास्ट का प्रमुख अभियुक्त है वो कभी भी भारत में अगर प्रत्यर्पण के माध्यम से लाया जाएगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है तो ये बात एक बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो बड़े अपराध हैं बड़े अपराधों में समय सीमा के प्रावधान को नहीं अगर क्यों ऐसा नहीं है यदि आपराधिक मामलों में यह बड़े अपराधों में यह प्रावधान कर दिया गया होता कि अगर दस वर्ष के भीतर हत्या के मामले को या बीस वर्ष के भीतर हत्या के मामले को अगर न्यायालय की नोटिस में नहीं लाया जाएगा तो न्यायालय उसका संज्ञान नहीं करेगी तो यह एक प्रकार से अपराधियों को लाइसेंस देने का काम हो जाता कि वे अपराध भी करते बड़े अपराध भी करते दस वर्ष तक वो छिपे रहते दस वर्ष के पश्चात वो आ जाते और कहते कि अगर उनके विरुद्ध अगर वाद लाया जाता तो कोर्ट खारिज कर देती कि अब दस वर्ष व्यतीत हो चुका है हम इस मामले में संज्ञान नहीं लेंगे तो जो जो संज्ञान का नियम है वह केवल छोटे अपराधों में लागू होता है अर्थात वे सभी अपराध जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है उसमें संज्ञान कोर्ट लेने से मना कर सकती है तीन वर्ष के पश्चात आपराधिक मामलों का संज्ञान नहीं ले सकती है उस नियम को भी डायल्यूट किया गया है कि यदि न्यायालय का समाधान करा दिया जाए न्यायालय संतुष्ट हो जाए जा कि विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण था तो उस विलम्ब को एग्जिमट करते हुए और इन अवधियों तीन वर्ष की अवधि समाप्ति होने के पश्चात भी न्यायालय उस मामले में संज्ञान ले सकता है तो ये मैंने जो बताने का प्रयास किया कि शमन मामलों में जो विचार संबंधी प्रक्रिया है यदि एट द टाइम ऑफ ट्रायल ही सत्र एट द टाइम ऑफ ट्रायल ही समन मामलों में कोर्ट यदि सुनिश्चित कर ले कि इस मामले में क्या समन होना है अभियुक्त और पीड़ित पक्षकार को आपसी सहमति से मामले को वापस ले लेना है तो ऐसी स्थिति में वह पेंडेंसी भी कम होगी और स्पीडी जस्टिस होगा प्ली बार्गेनिंग मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे हम लागू कर दें तो प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत अभियुक्त और पीड़ित दोनों अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर ले कि हाँ वह दोषी है तो प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जब अभियुक्त के द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली जाए तो जिस अपराध का वह भागी है जिस अपराध का आरोपित है उस अपराध के लिए प्रावधानित तो दंड का एक चौथाई दंड देते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया जाएगा उदाहरण के तौर पर यदि वह अपराध किया है समन मामले में ट्रायल के लिए न्यायालय के समक्ष आया है अगर उसी समय प्ली बारगेनिंग कॉन्सेप्ट को अगर वह प्ली बार्गेन करता है तो दो वर्ष सपोज माना कि दो वर्ष से दो वर्ष के कारावास से दंड कोई अपराध किया है तो दो वर्ष का एक चौथाई अगर हम रख दें तो दो वर्ष मतलब हो गया ट्वेंटी फोर मंथ ट्वेंटी फोर मंथ का जो है वन फोर्थ तो उसको छः माह के आ, केवल और केवल छः माह का कारावास दिया जाएगा छः माह के पश्चात वह दोषमुक्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो हमारी पेंडेंसी आप सूट है उसको भी कम करेंगे और जो जेल में अभियुक्त को रख करके उसको हम दो वर्ष तक अनावश्यक राज्य के द्वारा उसको खर्चा खिलाते पिलाते और उसको ट्रायल के समझ उसको ला करके कोर्ट में पेश करते पुनः जेल ले जाते पुनः कोर्ट लाते हम उस स्टेट के जो अनावश्यक व्यय को भी इसमें आर्थिक रूप से जो राज्य पर आर्थिक बोझ आर्थिक संकट होता आर्थिक जो इकोनॉमिक बर्डन होता है फाइनेंशियल बर्डन होता है हम उस बर्डन को भी रिड्यूस कर पाने में सफल होंगे तो ये मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था कि समन मामलों में विचारण की प्रक्रिया के दौरान ही यदि समन यदि कोर्ट इन प्रावधानों को अडॉप्ट कर ले कर लिया जाए तो न केवल पेंडेंसी आप न केवल आपराधिक मामलों में लंबित वादों की संख्या में कमी आएगी बल्कि न्याय शीघ्र होगा और यह राज्य के द्वारा अभियुक्तों पर जो खर्च किए जाने वाला अनावश्यक व्यय है उस अनावश्यक व्यय में भी कमी आएगी तो मैं इसके कई पक्षों को अब दूसरा देखते हैं कि समन ट्रायल में दूसरा जो स्टेप है यदि दोषी स्वीकार करने पर दोष सिद्धि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दो के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि अभियुक्त अपने दोष को स्वीकार कर ले तो दोषी होने पर उसे दोष सिद्ध किया जाएगा दोष सिद्ध किया जाना सेक्शन 206 जीरो के अंतर्गत ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज तो ये अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसे दोषित करना यदि वह दोष स्वीकार करता है सेक्शन 206 एक विशेष पावर देता है न्यायालय को कि जब अभियुक्त अनुपस्थित हो और वो अनुपस्थित होकर के अपने प्लीडर के माध्यम से अधिवक्ता के माध्यम से वह अपने अपराध को स्वीकार करता है न्यायालय के समक्ष ये उन मामलों तो में होता है जो पी टी अफेंस होते हैं छोटे अपराध होते हैं जिससे अभियुक्त के ऊपर कोई जुर्माना लगा दिया गया है तो मात्र जुर्माना पाँच सौ रुपये एक हज़ार रुपये जुर्माना लगाए गए हैं तो ऐसे जुर्माना की स्थिति में अभियुक्त यदि न्यायालय के समक्ष हाजिर न भी हो तो न्यायालय उस उस अभियुक्त को हाजिर होने से एग्जम्प्ट कर सकता है अपीयर होने से एग्जम्प्ट कर सकता है और इस आधार पर कि तो अभियुक्त यदि अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को सूचित कर दे कि नियम इसमें लागू होंगे जो अभियुक्त के द्वारा एक ही अवसर पर अगर दो समान अपराध किए गए हैं जिसमें छह माह का कारावास का प्रावधान एक अपराध उसने ऐसा किया जिसमें एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है तो उस दोनों अपराधों का एक साथ विचारण अभियुक्त किया जा सके क्योंकि अभियुक्त एक ही है एक ही अवसर पर उसने दो अपराध कर दिए हैं तीन अपराध कर दिए हैं और सब लेकर के दो वर्ष तक के कम कारावास से दंडनी है शमन मामला है तो ऐसी स्थिति में सारे आरोपों को ज्वाइन करते हुए उसका विचारण किया जाएगा ये मैंने उसको लिखा है ज्वाइन ऑफ चार्जेस का नियम इसमें लागू होगा अब देखते हैं कि अभियोजन पक्ष को सुनना जहां पर समन मामलों में अभियुक्त तो अपने दोष को स्वीकार नहीं करता दोषी होना स्वीकार नहीं करता और निर्दोष होने का दावा करता है वहां पर न्यायालय के लिए अभियोजन को पुछ अभियोजन पक्ष को सुनने के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी जिसमें अभियोजन का साक्ष लिया जाएगा अभियोजन से तात्पर्य यहाँ पर सरकारी पक्ष से अभियोजन का साक्ष लिया जाना अभियुक्त की परीक्षा करना या उसकी उपस्थिति को माफ़ करना मैंने लिखा हुआ है तो उसकी उपस्थिति को एग्जेम्ट कर सकता है चूंकि अपराध छोटा है मात्र जुर्माने से दंडनीय अपराध है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त न्यायालय में सशरीर उपस्थित भी ना हो उसको एग्जेम्ट कर सकता है थर्ड स्टेज है कि साक्ष्य को लेखबद्ध किया जाना उसके एविडेंस को रिकॉर्ड करना जो भी रेलिवेंट एविडेंस न्यायालय के समक्ष आए हुए हैं उसमें साक्ष्य को रिकॉर्ड करना कोर्ट के द्वारा और फिर उसके बाद अभियोजन पक्ष से बहस को आर्गूमेंट उस मैटर को आर्ग्यूमेंट में ले जाया जाएगा बहस में ले जाया जाएगा अब इसके पश्चात आते हैं अभियोजन को सुनने के पश्चात ऐसा न्यायालय प्रतिरक्षा को सुनेगा प्रतिरक्षा यहाँ से तात्पर्य अभियुक्त पक्ष को सुनना आपराधिक मामलों में जब भी डिफेंस की बात होती है इसका मतलब है कि हम अभियुक्त की बात कर रहे हैं अब प्रतिरक्षा को सुनने के लिए न्यायालय को तारीख कोई डेट फिक्स करेगा उसमें अभियुक्त के आवेदन पर न्यायालय के द्वारा किसी साक्षी को सम्मन करने का एक प्रावधान किया गया है यदि अभियुक्त न्यायालय को यह सूचित करता है कि इस मामले में अमुख व्यक्ति का गवाही यह मामले को एक नया मोड़ दे सकता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को एज ए कोर्ट विटनेस के रूप में न्यायालय में आने के लिए विवश कर सकता है तो अभियुक्त के द्वारा आवेदन दिए जाने का मतलब एक कदापि अर्थ नहीं है कि न्यायालय उसको एक्सेप्ट ही कर ले न्यायालय उस आवेदन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि यह साक्षी इस साक्षिक इस गवाह के पास के विटनेस के पास इस अपराध के विषय में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इसको यदि बुलाया जाएगा तो इस अपराध में कोई एक नया मोड़ आ सकता है या नया प्रकाश उसमें उस पड़ सकता है तो तभी अभियुक्त के द्वारा दिए गए यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त के द्वारा दिए गए आवेदन केवल परेशान करने के उद्देश्य से है न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए है या विरोधी पक्षकार को परेशान करने के लिए है तो ऐसी स्थिति में ऐसा न्यायालय उस अभियुक्त के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है मानने के लिए बाध्य नहीं है अब एक मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है इसमें कि यदि दंड देने की अधिकारिता नहीं है न्यायिक मजिस्ट्रेट को तो जुडिशल मजिस्ट्रेट केस ट्रांसफर कर देगा और प्राय ऐसे मामलों में क्योंकि दो वर्ष से कम के कारावास से दंड नहीं है तो ऐसी स्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि साक्ष अभिलिखित कर लिया गया और उसके बाद दंड देने की जब बात आती है तो उसको लगता है कि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले में दंड देने की पावर नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में उस केस को सक्षम न्यायालय को ट्रांसफ़र कर देगा अपने ही किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट को वह ट्रांसफ़र कर देगा उदाहरण के तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग यदि किसी मामले में संज्ञान लेते हुए उसका ट्रायल करता है और ट्रायल करने के पश्चात उसे लगता है कि ये अधिकारिता नहीं है उस मामले में या इसमें उतना पनिशमेंट नहीं दे सकता तो उस केस को वह संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चला जाएगा एक जिले से दूसरे जिले को चला जाएगा इस ए विदिन विदिन डिस्ट्रिक्ट और विदिन स्टेट की बात हो रही है कि अगर विदिन डिस्ट्रिक्ट है अगर ऐसा कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अधिकारिता न रखते हुए किसी मामले का ट्रायल समन मामले का ट्रायल करता है दूसरे जिले का मामला है तो निश्चित रूप से यह एरर ऑफ लॉ माना जाएगा विधि की भूल मानी जाएगी और निश्चित रूप से ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है कि उसको इतना भी नहीं मालूम कि मामला दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है और वह स्वयं संज्ञान लेकर के इस मामले में सामान्यतः ऐसा होता नहीं है परंतु यह उन स्थितियों से आ, उन स्थितियों का सामना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं कि यदि कोई गलती हो भी जाए न्यायालय से तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस केस को ट्रांसफर कर सकता है अब दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात समन मामलों में कोर्ट या तो अभियुक्त को सिद्ध करेगा या अभियुक्त को दोष मुक्त करेगा ये चूंकि मैंने बताया कि प्रोसीजर हैं पहले अभियुक्त को अब आरोप के विषय में पढ़कर सुनाना फिर उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना फिर अभियोजन पक्ष को सुनना फिर डिफेंस को सुनना अभियोजन पक्ष को पहले क्यों सुना जाता है इसका तर्क मैंने पहले ही अपने व्याख्यान में बताया है कि चूँकि अभियोजन के द्वारा ही आपराधिक मामलों में आरोप लगाया जाता है कि यह व्यक्ति अमुक तारीख और समय पर अपराध किया है तो भारतीय साक्षर नियम की धारा एक के अंतर्गत साबित करने का भार अभियोजन पर ही होता है कि अमुक व्यक्ति चोर है चूंकि अभियोजन सरकारी पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमुक व्यक्ति मिस्टर एक्स किसी तारीख और समय पर चोरी किए हैं तो साबित करने का भार अभियोजन पर ही होगा कि इन्होंने किसी तारीख और समय पर वह चोरी का अपराध किया है इसलिए अभियोजन पक्ष को पहले सुनने का अवसर प्रदान किया जाता है कि पहले अभियोजन वे कौन से साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से अभियोजन इस केस को साबित करना चाहता है तो इसलिए स्वाभाविक है कि अभियोजन को पहले सुना जाएगा उसको सुनने के पश्चात तब डिफेंस को मौका मिलता है तब अभियुक्त को अवसर दिया जाता है सुनने का कि वह अपने बचाव में कौन कौन से साक्ष्य न्यायालय के समझ प्रस्तुत कर रहा है दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अब न्यायालय का निर्णय आना है जजमेंट आना है तो न्यायालय अपने निर्णय में केवल दो ही बात कर सकता है तीसरी कोई बात नहीं हो सकती न्या जजमेंट न्यायालय अपने निर्णय अपने निर्णय के माध्यम से या तो अभियुक्त को दोषिद्ध करेगा या अभियुक्त को दोष मुक्त करेगा इसमें तीसरी कोई बात होती नहीं है किसी भी निर्णय में तो जहां पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध करता है आप उसको स्क्रीन पर देखें कि दो के अंतर्गत एक तो है कि परविछा का कार्रवाई कर सकता है सेक्शन थ्री सिक्सटी के अंतर्गत और या दो सिद्धि में कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है फिर मैंने लिखा है कि निर्णय की भाषा क्या होगी लैंग्वेज जो लैंग्वेज ऑफ जजमेंट है वो क्या होगा ये सेक्शन थ्री फिफ्टी थ्री थ्री फिफ्टी फोर में दिया हुआ है लास्ट में लिखा है कि दोष मुक्त कर सकता है तो अभियुक्त के विरुद्ध यदि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो न्यायालय अपने निर्णय के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं निराधार हैं तो ऐसे में अभ्युद को दोष मुक्त कर देगा अब इसको एक एक करके देखते हैं कि समन मामलों में जहां पे न्यायालय के द्वारा अभ्युद को दोष सिद्ध किया गया और दो सिद्धि के पश्चात न्यायालय को लगता है कि इसे कारावास न भेज करके इसको परीक्षा पर भोजा भेजा जाए प्रोबेशन पर भेजा जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दन प्रक्रिया संहिता की धारा 360 सौ साठ पर बात करती है कि किसी भी व्यक्ति को अब उसमें भी दो कैटेगरी है कि किस वर्ष से कम और किस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को तो यह प्रावधान धारा थ्री जो है वह दंड के सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति अपराध किया है और उसका अपराध न्यायालय के समक्ष साबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि यह पहली बार अपराध किया है फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर है प्रथम कोर्ट का अपराधी है पहली बार अपराध किया है और वह अपराध मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभियुक्त को न्यायिक निगरानी में हम जिसे परविछा बोलते हैं छोड़ दिया जाता है उसको जेल न भेज करके उसे परीक्षा पर न्यायिक निगरानी में उसे अपने घर भेज दिया जाता है और यह देखते हुए कि वह उसके ऊपर तीन वर्ष तक न्यायिक निगरानी रखी जाती है कि तीन वर्षों के भीतर अगर वह पुनः उसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है या अन्य किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो उसका प्रोबेशन भी कैंसिल होगा निरस्त होगा और पुनः ऐसे अभिद को जेल में लाया जा सकता है अब दूसरी बार उसको कभी भी न्यायालय के द्वारा लिनियंसी या उदारता नहीं बरती जाएगी उसे परीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा तो परीक्षा पर छोड़े जाने का मैंने एक उद्देश्य बताया केवल और केवल अभियुक्त को एक अवसर प्रदान करना जिससे कि वह सुधरने एक, एक उससे सुधारा जा सके वरना यदि वह जेल में जाएगा तो जेल में जाकर के वहाँ पेशेवर अपराधियों के साथ में होकर के वह भी एक पेशेवर अपराधी बन सकता है इस उद्देश्य से इस कॉन्सेप्ट को आपराधिक विधि के अंतर्गत एक सुधारात्मक उपचार के रूप में रखा गया कि दोषिधि के पश्चात अभियुक्त को सुधारात्मक उपचार के लिए एक उसको रिफॉर्मेटिव जो थियरी है उस सुधारात्मक जो सिद्धांत है उसके तहत वह सिद्धांत इस बात पर ज़्यादा बल देता है कि अपराधियों को दंडित न करके बल्कि उनको एक सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए तो हमारे जो सी की हमारी जो सी की धारा थ्री सिक्सटी है प्रोबेशन है परीक्षा है उसका उद्देश्य है अभियुक्तों को सुधरने का अपराधियों को सुधरने का एक अवसर प्रदान करना तो उद्देश्य मैंने ये भी बताया कि यह प्रोबेशन कब हो सकता है 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति दोनों मामलों में यह प्रोबेशन देने का प्रावधान किया गया है 21 वर्ष से कम आयु के अभियुक्त के द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो उसमें प्रोबेशन की क्या प्रक्रिया होगी चूंकि वे जीवनाइल है अभी कम आयु के व्यक्ति हैं उनका पूरा भविष्य बचा है अगर उन्हें जेल में रख दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह पेशेवर अपराधियों के साथ आकर के वह अभी पेशेवर अपराधी बन सकते हैं और वह समाज के लिए ज़्यादा हानिकार है इससे अपित इससे बेहतर यह है कि उन्हें हैबिशुअल ऑफेंडर पेशेवर अपराधी बनने से रोकने के लिए उन्हें दोषिद्ध करते हुए सदाचार जीवन व्यतीत करने के लिए उनसे एक बंद पत्र उनसे एक बांड भरवाया जाए उनसे बचन, बचन पत्र लिया जाए कि वह तीन वर्षों तक इस बात की गारंटी देंगे कि अब पुनः उस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और उनको ये बताया जाए समझाया जाए कि अगर अपराध की पुनरावृत्ति होगी तो उन्हें पुनः उसी अपराध में दंडित किया जा सकेगा और दोबारा न्यायालय उनके प्रति कोई भी उदारता नहीं बरतेगी तो यह जो प्रोबेशन का मामला है मैंने एक बताया कि समन मामलों में भी इसको बहुत आसानी से अप्लाई किया जा सकता है कि चूंकि दो वर्ष से दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामले ही समन मामले हैं तो अगर अभियुक्त को सजा हो गई तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट होगा दो वर्ष का बेहतर है कि दो वर्ष उसको जेल में रखेंगे तो वह पैसे और अपराधी बन सकता है इससे अच्छा है कि हम उसको उससे परीक्षा पर प्रोवेशन पर छोड़ दें और उसको निगरानी में रखें जुडिशल निगरानी में रखें सुपरविज़न में रखें जैसा कि परीक्षा के प्रावधान हैं कि प्रतिदिन वह जा कर के अपने संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी को सूचित करे कि वह अपने घर पर ही निवास कर रहा है और पुलिस उस सूचना को संबंधित जिले के अधिकारी को भी भेजता है कि जिन जिन जिले में जिन जिन लोगों को परीक्षा पर छोड़ा गया है वे सभी अपराधी इस संबंधित थाने में अपने समय और तारीख पर उपस्थित होते हैं और उनकी सूचना संबंधित जिले के अधिकारी को जिला प्रवेशन अधिकारी जिसको बोलते हैं जिला परीक्षा अधिकारी उनको समय समय पर भेजा जाता है और यदि कोई भी व्यक्ति उस परीक्षा के कंडीशन को की शर्त को उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे उसके प्रोबेशन को निरस्त करते हुए पुनः उसे जेल में भेजा जा सकता है तो दो सिद्धि के पश्चात अब निर्णय की भाषा मैंने बताया कि समांतर निर्णय की भाषा वही होती है जो स्थानीय भाषा में निर्णय लिया जाता है ऐसा नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई जजमेंट होना है तो यहाँ पे कन्नड़ या मलयालम होगा यहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है उसी भाषा में यह होना चाहिए तो इसको भी धारा तीन सौ थ्री फिफ्टी थ्री थ्री फिफ्टी फोर में दिया हुआ है सी आर पी सी की धारा थ्री फिफ्टी थ्री एंड थ्री फिफ्टी फोर में निर्णय की भाषा को लिखा हुआ है तो इसके पश्चात अब देखें समन मामलों को वारंट मामले नेक्स्ट जो है कि समन मामलों को वारंट मामले की बात विचार करने की भी सकती है हुँ? कब समन मामले को वारंट मामले के रूप में ट्रायल किया जा सकता है अब इसमें मैंने धारा टू फिफ्टी नाइन लिखा हुआ है कि समन मामलों में मैंने बोला कि आरोप तय नहीं किया जाता विदाउट चार्ज फ्रेमिंग सीधे अभियुक्त को यदि हाजिर किया जाता न्यायालय के समझ तो कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है परंतु एक इसमें एक्सेप्शन अपवाद दिया गया है कि कब समन मामलों को वारंट मामला ट्रीट करते हुए न्यायालय कोर्ट वे प्रक्रिया अपनाएगी जो वारंट मामलों में प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह दिया है सेक्शन टू फिफ्टी नाइन के अंतर्गत कि जहाँ पर समन मामलों में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्याय हित में ग्राउंड भी दिया हुआ है कि न्याय हित में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समन मामले में वे समन मामले जो छ माह के छः माह से अधिक के कारावास से दंडनी हैं उसमें वारंट मामले की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए तो वह समन मामला होते हुए भी वारंट मामले की भांत ट्रीट करते हुए वारंट मामले के प्रक्रिया को अपना सकता है तो दो कंडीशन हो गई कि कब समन मामले का ट्रायल वारंट मामले की तरह हो सकता है तो पहली कंडीशन यह है कि वह समन केस कम से कम छः छः छे माह से अधिक अर्थात अगर वह अपराध पाँच वर्ष के माह पाँच अगर वह अपराध पाँच माह के कारावास से दंडनीय है तो उसमें उस केस को वारंट मामले की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो जो पहली कंडीशन ये है कि समन केस तो है लेकिन समन केस में वो जो अपराध है वह छः माह से अधिक के कारावास से दंडनीय होना चाहिए तभी उस समन मामले को वारंट मामले की तरह स्वीकार करते हुए ट्रीट करते हुए और प्रोसीजर वारंट वाले वारंट मामले के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा पहली कंडीशन हो गई दूसरा कि न्याय हित में ऐसा लगता है कि बिना स... इस केस को वारंट की तरह ट्रीट करते हुए इस मामले में न्याय नहीं हो पाएगा तभी ऐसा न्याय ऐसा मजिस्ट्रेट कोर्ट उस समन मामले को वारंट मामला ट्रीट करते हुए कंसिडर करते हुए और वारंट मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रोसीजर को एडॉप्ट कर सकता है तो ये तो मैंने कंडीशन बताई कि कब समन मामले को वारंट मामले की भांत ट्रीट करते हुए प्रक्रिया अपनाई जाएगी अब इसको देखें कि जब समन मामले को वारंट मामला ट्रीट कर दिया गया तो अब उसमें चार्ज फ्रेमिंग भी होगी इसको स्लाइड पर आपने मैंने एक बनाया हुआ है एक तरफ कि जब समन मामले को वारंट मामले की तरह ट्रीट किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा तो कोर्ट दैट कोर्ट इज बाउंड टू कंप्लाई द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर वारंट ट्रायल जो वारंट ट्रायल के लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसको मानने के लिए वह कोर्ट बाध्य है जैसे पहला मैंने लिखा हुआ है चार्ज फ्रेमिंग आरोप तय किया जाना दूसरा लिखा है मैंने साक्षी की परीक्षा और तीसरा लिखा हुआ है अभियुक्त की परीक्षा ये तीनों इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वारंट ट्रायल में तो वारंट ट्रायल में सबसे जो प्रमुख कार्य है कि विदाउट चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल नहीं हो सकता है तो पहले ही इस कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा कि अब इसमें हम चार्ज फ्रेम करें दूसरा जो विटनेसेस हैं विटनेस का एग्जामिनेशन करना जैसा कि समन मामलों में सामान्यतः चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती ट्रायल अब जो इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा जो विटनेस है उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना फिर अभियुक्त के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना और तत्पश्चात जो है उस मामले को चूंकि उस समन मामले को वारंट मामले की तरह ट्रीट कर दिया कन्वर्ट कर दिया गया है तो अब जो कन्वर्जन है फ्रॉम समन टू वारंट मामला हो गया है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेमिंग करने के पश्चात अब गिल्टी प्रीट करना अभियुक्त के द्वारा यदि गिल्टी प्रीट किया जाता है तो दोषिध करना यदि अभियुक्त गिल्टी प्रीट नहीं करता है तो प्रतिरक्ष तो अभियोजन का साक्ष लेने के लिए न्यायालय फिर अभियोजन का साक्ष लेने के पश्चात अभियुक्त का साक्ष लेना प्रतिरक्षा का साक्ष लेना बहस के लिए मामला आगे जाना आर्ग्यूमेंट के पश्चात न्यायालय का निर्णय आना कोर्ट का डिसीजन आना अब पुनः इस केस में अब यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसीजर चेंज हो गया एक ऐसा प्रावधान है जो पूरे के पूरे समन प्रोसीजर को चेंज कर दिया कन्वर्ट कर दिया किसमें वारंट ट्रायल के प्रोसीजर में कब जब कोर्ट ही अपना ही वही कोर्ट सेम कोर्ट ऐसा लगता है कि इस मामले को हम स्पीडी जस्टिस करें और वारंट मामले की तरह ट्रीट करते हुए इसको डिस्पोज आप करें तो एक सेक्शन 259 जो इसके लिए विशेष प्रावधान करता है कि कब समन मामले को वारंट मामले में कन्वर्ट किया जा सकता है ये उसमें दिया उसकी गंभीरता को देखते हुए और जब समन को क हम वारंट में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से यह सारी प्रक्रिया जो अभी हमने इसके पहले बताई है उस प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है इसमें क्योंकि अब इस केस में वारंट प्रोसीजर वारंट ट्रायल के प्रोसीजर को अडॉप्ट किए जाएंगे और जब वारंट प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे तो अब पुनः जो है अब इसके पहले की सारी चीज़ें समन में इरेलीवेंट अप्रासंगिक हो गई तो वारंट मामले में जैसा कि मैंने बताया अब चार्ज फ्रेम किया जाएगा प्ली ऑफ गिल्टी अगर करता है तो उस पर दो सिद्धि होगी अगर वह अपना दावा करता है बचाने का बोलता है कि निर्दोष है तो वह उसके लिए फिर अभियोजन साक्ष्य के लिए डेट फिक्स होगी अभियोजन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए प्रोसिक्यूशन का जो स्टेटमेंट है वह एविडेंस रिकॉर्ड हो गया अब उसके पश्चात जो है अभियुक्त के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा डिफेंस विटनेस उसके जो अभियुक्त के गवाह हैं तरफ उसकी तरफ से जो आने वाले गवाह हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा अब इस इन प्रक्रियाओं के अनुपालन करने के पश्चात आर्गुमेंट के लिए बहस प्रारंभ होगी बहस के पश्चात न्यायालय का निर्णय होगा जजमेंट होगा उस निर्णय में या तो दो सिद्धि होगी या दोष मुक्ति होगी दो, हो दो सिद्धि में मैं मैंने बताया दो दो का दो आ, हो सकता है या तो अभियुक्त को दो सिद्ध करते हुए न्यायालय परविक्छा पर छोड़ दे प्रोबेशन पर छोड़ दे या उसे कारावास या जुर्माना लगा सकता है सिद्धि में दो ही बातें हो सकती हैं या तो उसको परवीक्षा पर छोड़ा जाए प्रोबेशन पर छोड़ा जाए कीपिंग गुड बिहेवियर सदाचार उसके गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए उसको प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए या अभियुक्त को कारावास दे दिया जाए सेंटेंस दे दिया जाए या उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए तो ये तब होगा जब उसे दो सिद्ध किया जाता है अब जहाँ पर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है तो ऐसा दोषमुक्त किया गया व्यक्ति संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ ले सकता है आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू मैंने बताया प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जी पार्टी है तो प्रोटेक्शन अगेन डेवल जी अगर उस अभिद को जिसे दोषमुक्त किया गया है उसी अपराध के लिए पुनः उसी आ, मामले में उसके खिलाफ दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है इस प्रकार का प्रोटेक्शन संविधान के आर्टिकल बी से दो में दिया हुआ है अब ये बातें अगर आप पी सी जे या उसकी मुख्य परीक्षा में रिटर्न टेस्ट में लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो सी आर पी सी का पेपर है और भारतीय संविधान इसको जोड़ते हुए यदि लिखेंगे तो ये निश्चित रूप से एक कम्प्लीट आंसर होगा तो ये मैंने बताया कि जहाँ पर अभ्युद को समन मामलों में बिछाण के पश्चात दोषमुख कर दिया जाता है उस अभ्युद का यदि पुनः उसी मामले में अभियोजन और ट्रायल होता है तो वह भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस दो का बचाव ले सकता है और ये कह सकता है कि पहले ही उसी उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए अभियोजित और दंडित किया जा चुका है अतः पुनः अब उसका ट्रायल इस पर नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि ये बात संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू और समन मामलों में अभिद की दोस्त मुक्ति से कैसे जोड़ करके आप इसको लिख सकते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड आते हैं इसमें निराधार आरोप पर प्रतिकर हुँ? अब इसमें प्रतिकार है सब थोड़ा सा प्रतिकर है कम्पनसेशन इसके हम इसको सिंपली ये समझें कि कंपनसेशन अगर जहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये सेक्शन टू फिफ्टी में दिया हुआ है कि जहाँ पर निराधार व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया सभी आरोप बेबुनियाद हैं बेसलेस हैं तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति निराधार गिरफ्तार कराया गया है निराधार उसके ऊपर अभियोजन लाया गया है उसको सेक्शन 250 के अंतर्गत धारा 250 के अंतर्गत प्रतिकर का और पावर दिया गया है कि वो कंपनसेशन ले सकता है लेकिन अब यहां देखें दुर्भाग्य है कि मैक्सिमम जो है इसमें कंपनसेशन है वह एक हजार रुपया है जहां पर धारा दो सौ पचास सीआरपीसी के प्रावधानित करती है कि जहां पर न्यायालय के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी निराधार थी बेसलेस थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे और यह गिरफ्तार निराधार है तो ऐसी स्थिति में ऐसा अभियुक्त उस व्यक्ति से जिसने उसे जिसने उसे गिरफ्तार करवाया है उससे अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर सकता है तो ये बात सेक्शन 250 में लिखी गई है दूसरा मैंने इसको आप इस स्क्रीन पर देखें सेक्शन 250 और सी की धारा तीन सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन में आपराधिक मामलों में प्रतिकर की बात किया गया है हुँ? तो आपराधिक मामलों में प्रतिकर की बात की गई है टू 250 में भी और सेक्शन 357 के अंतर्गत भी अब दोनों के अप्लीकेशन अलग अलग हैं कैसे सेक्शन 250 में जो मैक्सिमम कम्पनसेशन है वह आ, एक हजार रुपया है और सेक्शन 357 में जो कम्पनसेशन की लिमिट है वह कोर्ट डिसाइड करती है उसमें कोई एक हजार या पांच सौ रुपये की लिमिटेशन नहीं है तो स्वाभाविक है आप कोई भी अभियुक्त होगा वह धारा 250 का 250 की सहायता क्यों लेगा अगर 250 के अंतर्गत हो जाएगा कोर्ट में तो उसको मैक्सिमम एक हज़ार रुपया ही मिलेगा तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में वह सेक्शन 357 का सहारा लेता है और सेक्शन 350 इसलिए मैं तो बार अपने व्याख्यान में बताता हूँ कि जो सेक्शन टू फिफ्टी है वह अब लगभग अप्रासंगिक हो, हो गई है इरेलीवेंट हो गई है क्योंकि एक हज़ार रुपये जिस समय नाइनटीन सेवेंटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर में सीआरपीसी बनी होगी उस समय उन्नीस सौ तिहत्तर में एक हज़ार रुपये की कीमत ज़्यादा रही होगी लेकिन आज के समय में अगर ये कहा जाए कि, कि किसी को ग्राउंडलेस अरेस्ट किया गया वो टू फिफ्टी की सहायता लेगा नहीं लेगा वह वह दूसरे धारा में जाएगा जिस धारा में उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है कंपनसेशन मिल रहा है तो धारा तीन सौ सत्तावन सी आर पी सी का यह प्रावधान करता है थ्री फिफ्टी सेवन सी आर पी सी का यह प्रावधान करता है कि कब कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में कंपनसेशन ले सकता है अपराध पीड़ित जो विक्टिम ऑफ क्राइम है वह उस व्यक्ति से जिसने उसके प्रति अपराध किया है उतना अपराध पीड़ित उतना प्रतिकर ले सकता है जितना से उसका नुकसान हुआ है अब यह जो कम्पनसेशन वो डिपेंड वो डिसाइड किया जाएगा व्यक्ति के द्वारा सफ़र किए गए लॉस को उस व्यक्ति ने कितना लॉस सफ़र किया है उसको कैलकुलेट करते हुए कोर्ट जो है कंपनसेशन देगी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर यदि कोई व्यक्ति है शॉपकीपर है जैसे कोई उसके एक दिन का बैलेंस शीट जमा करता है बैलेंस शीट में अगर वह सपोज की दिखाया है कि एक दिन में उसकी टोटल एक हज़ार रुपये की बचत है और महीने का लगभग तीस हज़ार रुपये की उसकी बचत है बैलेंस शीट में दिखा रहा है अगर वह दस दिन अरेस्ट हो गया दस दिन अगर वह जेल में रहा है किसी अपराध के मामले में और न्यायालय ने कह दिया कि निराधार गिरफ्तारी उसकी गिरफ्तारी अवैध है ग्राउंड या निराधार बेसलेस गिरफ्तार हुआ है तो दस दिन का जो उसका वन थाउजेंड पर डे के हिसाब से टेन थाउजेंड रुपया बनता है और धारा दो सौ पचास कहती है कि मैक्सिमम वो एक हजार रुपया ही प्रतिकर के रूप में प्राप्त करेगा तो यहाँ पर जो सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन है उसके अंतर्गत जब उसका कंपनसेशन कैलकुलेट किया जाएगा तो वन थाउजेंड इंटू टेन डेज जितना दिन वह जेल में रहा है तो उतने दिन का प्लस उतने दिन का ब्याज जो उसमें मार्केट रेट का जो इंटरेस्ट होगा उसको भी विथ इंटरेस्ट जो ही विल गेट फ्रॉम दैट पर्सन उस वह व्यक्ति सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन दूसरा जो मैं बता रहा हूँ धारा तीन सौ सत्तावन इसको इसलिए मैंने स्लाइड के माध्यम से दोनों धाराओं को एक साथ बताने का प्रयास किया है कि सेक्शन टू फिफ्टी और थ्री फिफ्टी सेवन में यदि प्रॉब्लम आती है तो हम किसको ज़्यादा मानेंगे कोई भी व्यक्ति है जो ग्राउंडलेसली अरेस्ट हुआ है वह टू का सेल्टर नहीं लेगा उसमें नहीं जाएगा तीन सौ सत्तावन के अंतर्गत आएगा और थ्री फिफ्टी सेवन में जो मैंने बताया कि आपराधिक मामलों में कंपनसेशन डिसाइड करने का कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है वह कोर्ट कैसे अपनाती है ऐसी SECT स्थिति में सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा आपराधिक मामलों में प्रतिकर ज़्यादा दिया जाता है तो निश्चित रूप से और अभी हाल में वर्ष दो में भी इसमें संशोधन हो गया है सेक्शन थ्री में कि आपराधिक मामलों में प्रतिकर के लिए आ, क्या क्या तरीके होंगे कौन कौन से बोर्ड होंगे कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा यह धारा तीन सौ सत्तावन सी आर पी सी में भी संशोधन के माध्यम से हुआ है कि कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम अपराध पीड़ित को कितना प्रतिकर प्राप्त होगा ये सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन की उपयोगिता इसमें ज़्यादा बढ़ी है तो ये हो गया कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को निराधार गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी अवैध है अगर यह प्रमाणित कर दे कोर्ट तो ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ऐसा अभियुक्त उसी न्यायालय में प्रतिकर के लिए वाद दायर कर दे या पृथक से अगर प्रतिकर के लिए वाद दायर करता है उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध या उसने जिस जिस व्यक्ति ने उसको अवैध गिरफ्तार कराया उस व्यक्ति के विरुद्ध यदि वाद दायर करता है कि इन्होंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के विदेशपूर्ण अभियोजन ईर्षा बस इन्होंने द्वेष बस इन्होंने उस द्वेष बस इन्होंने एफ आई आर कराई है आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है यह साबित करते हुए उतना कम्पनसेशन प्राप्त करेगा जितना कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है और जितना कि उसका आर्थिक नुकसान हुआ है उस आधार पर कंपनसेशन का कैलकुलेशन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा अब ऐसी स्थिति में यह हो गया टू कंपनसेशन आपराधिक मामलों में कितना प्राप्त होगा दूसरी है धारा इसमें आप स्क्रीन पर देखें कि सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन सी आर पी एस सी के अंतर्गत मैंने दो धाराओं को बार बार मैं सीआरपीसी के प्रत्येक लगभग क्लास में बताता हूँ कि सेक्शन फोर सिक्सटी कैसे इंपॉर्टेंट है वह यदि समन मामले का ट्रायल करने के लिए कोई भी ऐसा अभियुक्त कोई भी ऐसा न्यायालय जो समन मामले में बेचाण की प्रक्रिया अपनाता है और वह ट्रायल समन ट्रायल न करके वह संक्षिप्त ट्रायल करता है या अब या न्यायालय सक्षम होते हुए अधिकृत न होते हुए सशक्त न होते हुए मामले का समन ट्रायल करता है तो यह धारा फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत मामला आएगा और पूरी की पूरी, पूरी कार्रवाई अपास्त किए जाने योग्य होगी हो जैसा कि यदि आ, कोई भी न्याय मजिस्ट्रेट जो समन मामले का ट्रायल करने के लिए सशक्त नहीं है यदि उस मामले का यदि किसी आपराधिक मामले का ट्रायल आ, समन मामले की तरह कर देता है तो निश्चित रूप से ये धारा फोर सिक्सटी वन की परिधि के में आएगा और फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत जो प्रावधान लिखा हुआ है कि वे अनियमितएँ जो कार्रवाई को दूषित भी करती हैं वे इरेगुलर भी होंगी प्रोसीडिंग और विड भी कर दी जाएंगी सेटिसाइड भी कर दी जाएंगी शून्य कर दी जाएंगी तो ये मैंने दोनों धाराओं को एक साथ सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन को बताने का प्रयास किया है किसी भी आपराधिक मामले का विचारण जिस रूप में स्टैच्यूट में समिति में प्रावधानित है उससे अगर अलग करना यह अवैध माना जाएगा और इसके लिए उसके लिए प्रावधान कहाँ दिया गया है सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत दिया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इन सभी व्याख्यानों के को देखते हुए मैंने आ, समन मामलों में विचारण की जो प्रक्रिया है उसको बताने का प्रयास किया और एक एक बात जो समन मामलों में पहले ही मैंने आपको बताया कि किसी भी समन कोई भी आपराधिक मामला हो एट द टाइम ऑफ ट्रायल जैसे ही विषाण प्रारंभ होगा वह समन मामलों में भी न्यायालय की यह विधिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना कि यदि अभियुक्त निर्धन है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और फ्री लीगल एड जैसा मैंने संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी वन बिना फ्री बिना फ्री लीगल एड के मामले बिना विधिक सहायता उपलब्ध कराए मामले का ट्रायल प्रारंभ ही नहीं हो सकता है तो एक बात जो छात्रों को ध्यान रखनी है वह यह है कि कोई भी ट्रायल हो चाहे बड़े से बड़े अपराध का ट्रायल हो या छोटे से छोटे अपराध का ट्रायल हो चाहे वह सत्र न्यायालय के द्वारा ट्रायल किया जाए या समरी ट्रायल किया जाए संक्षेप में ट्रायल किया जाए अभियुक्त यदि निर्धन है और वह न्यायालय के समक्ष लाया गया है न्यायालय के समक्ष यदि निर्धनता संबंधी प्रमाण पत्र वह प्रस्तुत कर देता है कि ही इज़ हैविंग बी कार्ड वह बीपीएल कार्ड अगर वह सम्मिलित करता है तो निश्चित रूप से ऐसा न्यायालय आपराधिक मामलों में राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त करेगा और यह संविधान के आर्टिकल केस के अंतर्गत भी मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है और केस को भी मैंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा केस के माध्यम से भी इस अधिकार को रिकॉग्नाइज किया गया है यह ट्रायल प्रारंभ होने के पहले समन मामलों में भी ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि जो अभियुक्त उसके समक्ष उपस्थित है उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सीआरपीसी की धारा 303 का कंप्लायंस करना उसके लिए भी बाध्यकर है सीआरपीसी की धारा 303 यह प्रावधानित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद के अधिवक्ता से विधिक परामर्श ले सकता है स्टेट कंपेल नहीं कर सकता विवश नहीं कर सकता कि किसी पर्टिकुलर अधिवक्ता से उसको विधिक परामर्श लेना है या किसी भी मामले में तो ऐसी स्थिति में वह चाहे मामला कितना भी आपराधिक रूप से छोटा हो अपराध में पनिशमेंट कितना भी छोटा हो चाहे वह समन मामला हो या वारंट मामला हो ये दो जो रिक्वाय दो रिक्वायरमेंट हैं क्या कि लीगल रिप्रेजेंटेशन संविधान के आर्टिकल 22 और सीआरपीसी की धारा 303 और राइट टू फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये एट द टाइम ऑफ ट्रायल ही न्यायालय को सुनिश्चित करना है जब मैं ये बता रहा था कि समन मामले का ट्रायल कैसे प्रारंभ होगा उसी समय ये दो प्रावधानों का भी उल्लेख करना आवश्यक है तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा जो रिटन टेस्ट होता है लिखित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें छात्रों को ये सारे जो प्रासंगिक प्रावधान हैं इनका समावेश किया जाना चाहिए और यदि ये, ये प्रावधानों का समावेश करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे अंक पाएंगे मैंने जैसा कि बताया संविधान के आर्टिकल बाईस ट्वेंटी और सेक्शन थ्री जीरो जिसमें यह मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का अपने पसंद के अधिवक्ता से विधिक परामर्श कराने का और यह स्टैचूट्री राइट भी है 303 सीआरपीसी के अंतर्गत दूसरा मैंने बताया कि यदि अभियुक्त गरीब है निर्धन है तो मामला चाहे भले ही संबंध क्यों न हो अपना अधिवक्ता वह अपॉइंट कर ही नहीं सकता निर्धनता के कारण तो यह ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट की लीगल ड्यूटी है कि अभियुक्त से पूछे कि क्या वह अपना अधिवक्ता नियुक्त करने की स्थिति में है यदि वह कहता है कि नियुक्त कर सकता है और यदि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि निर्धन है तो निर्धनता का प्रमाण पत्र स्वीकार करते हुए और अब ऐसा कोर्ट न्यायालय ऐसे अभियुक्त को राज्य के खर्चे पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा तो मैं समझता हूँ कि आ, समन मामलों में ट्रायल संबंधी जो प्रावधान मैंने बताया मैंने उसके अंतर्गत आपको समन केस क्या है बताया समन मामलों में आ, फ्री लीगल एड क्या है अगर समन मामला है तो भी कोर्ट उसमें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा उसके पश्चात इसका उद्देश्य यदि 320 सौ समन ट्रायल के समय ही हम अगर प्री बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो न केवल हम पेंडेंसी को कम करेंगे उसके ऑब्जेक्ट को भी मैंने बताया कि उद्देश्य क्या है दूसरा मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि अपराध को समन मामलों में विशेषकर जब ट्रायल प्रारंभ हो रहा है तो वहीं पर या तो तीन सौ के प्रयोग कर लिया जाए अपराध समनी है तो समन कर लिया जाए प्री बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को यहीं पर लागू कर दिया जाए तो आगे न्यायालय का जो महत्वपूर्ण समय है वह बच जाएगा और हमारी पेंडेंसी ऑफ सूर्स भी कम होंगे मैंने उसके तर्क को मैंने उसके उद्देश्य को भी बताया दूसरा कि आ, यदि अभियुक्त को दोषिध किया अभियुक्त तो अपना अपराध स्वीकार कर ले इसी समन मामले में ही तो मैक्सिमम पनिशमेंट उसको तीन वर, दो वर्ष हो सकता है अपराध अगर स्वीकार कर लेता है प्री बार्गेनिंग है तो दो वर्ष का एक चौथाई करते हुए दोषिध किया जा सकता है तो ये ऐसे प्रावधानों को जो हम एडॉप्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट जो प्ली बार्गेनिंग और समनी अपराध को जब हम एडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्पीडी जस्टिस शीघ्र न्याय सुनिश्चित करेंगे इन एक्सपेंसिव जस्टिस को भी सुनिश्चित कर पाएंगे और चूंकि ये छोटे अपराध हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवेशन के रूल को अप्लाई करना चाहिए अगर दोषिद्धि हो गई तो अभिद को दोषिद्धि के पश्चात जेल न भेज करके उसको प्रोवेशन परीक्षा पर सुधरने के एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जैसा कि प्राय न्यायालय समन मामलों में करती है तो प्रोवेशन की स्थिति में परीक्षा के प्रावधान को भी मैंने इसको बताने का प्रयास किया भारतीय संविधान के आर्टिकल 22, 22, 21 से जोड़ने का प्रयास किया समन मामले को और जो प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट है उसको भी बताने का प्रयास किया तो मैं समझता हूँ कि इन सभी प्रासंगिक प्रावधानों को जुड़ने के पश्चात आप सुनने के पश्चात आप सभी आ, इस व्याख्यान के माध्यम से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे मैंने पूरा प्रयास किया है कि समन मामलों में जो ट्रायल है मैंने ये भी बताया कि कब समन मामले को वारंट मामले में कन्वर्ट करते होंगे और न्यायालय फिर फिर से वारंट मामले के में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत वह समन केस को वारंट मामला में तब्दील कर देगा कन्वर्ट कर देगा और उसमें जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करेगा तो निश्चित रूप से यदि ये प्रावधान यदि स्लाइड के माध्यम से सारी सूचना यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके कोई भी परीक्षा हो उसमें आप सफल होंगे इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ धन्यवाद थैंक यू